क्या आपकी किसी ने फेक अफेयर करा दी है? तो अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि क्या करें। तो अब सुनो जी, ये मैसेज हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो डाउरी केस हो, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो कोई हनी ट्रैप हो, चाहे किसी ने भी आपके ऊपर फेक एलिगेशन लगाकर एक अफेयर करा दी। मैं आपको बताऊंगा बचने का कैसे है। यो मैसेज सेव कर लेना, अपने दोस्तों को भेज देना, ताकि हर किसी को अपने राइट्स पता हो और कोई बेफालतू में ना फंसे। देखिए जी, जो हमारा कोर्ट एंड लॉ है, ठीक है, वो इसलिए बनाया गया है कि किसी के ऊपर कोई दुराचार ना करे, किसी को कोई तंग ना करे, ना जाए। लेकिन अगर आपको फॉल्स के लिए किसी ने फॉल्स एफर कराई है, वो अब्यूज ऑफ कोर्ट एंड लॉ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब सुनो जी, कैसे बचने का दो रास्ते हैं। एक है पुलिस का रास्ता जहां एफ आई आर हुई है, एक है कोर्ट का। अब सुनो जी, मैं आपको बता दूंगा एफ आई आर भी कैसे करानी है, इसी वीडियो में बता दूंगा, टेंशन लेने का भाई। अब सुनो जी, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी फेक एफ आई आर कर, आपने कुछ नहीं करा, पुलिस स्टेशन से फोन है, वहां जाओ जी, वो पूरी एफ आई आर कॉपी लो, क्योंकि जो उसने कंप्लेंट करी होगी वो पढ़ो 10 बार कि उसमें क्या क्या ग्राउंड थी उन्होंने। आप 10 बार पढ़ोगे, आपको सब पता चल जाएगा कि इस जो इसने कंप्लेंट दी है यहाँ में था ही नहीं। अगर कोई डाउरी केस है, मदर की सिस्टर की कंप्लेंट थी, वो बाहर गए हुए थे, उनकी अगर वो बोर्डिंग पास हो, कोई ट्रेवलिंग की रिसिप्ट हो, कुछ भी हो, या किसी पार्टी में हो, वो उनके वहां के विटनेस हो, तो ये सब चीजें आप लगा सकते, वो पढ़कर ही आपको पता चलेगा। वो एक बना लो जी एप्लीकेशन, सारे प्रूफ उसमें लगा, सीधा दो जी पुलिस ऑफिसर को। कभी कभार आपको लोगों के माइंड में कि पुलिस वाला ना मिलो, कुछ नहीं करना, तब भी टेंशन लेनी, आप रजिस्टर पोस्ट कराओ, वो रिसिप्ट उसकी संभाल के रखना, पुलिस ऑफिसर को भी लगाओ, वो नहीं एक्शन लेता वहां के एरिया के एसपी साहब को, ठीक है, आपकी क्वैश हो जाएगी। क्वैश मतलब कि आपकी एफ आई आर खत्म हो जाएगी, अगर खुदा ना खास्ता वहां पर भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि देखो जी 99% केसेस में वही खत्म हो जाती है, क्योंकि नीचे सेटिंग करी हो किसी बंदे ने, अगर करी हो लोगों के हिसाब से, तो एसपी साहब तो सीधा क्या कैंसिल करा देंगे, आपने ग्राउंड दे दिए, अगर वहां भी नहीं होती। अब सुनो जी, कोर्ट का रास्ता, कोर्ट में आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक वकील करना, अच्छा सा सीआरपीसी 482 के तहत एक पिटीशन डलवानी है, जहां जो आपने वो रिकॉर्ड तैयार किया ना एफआईआर में, जो आपने एफआईआर पढ़ी, जो कंप्लेंट उन्होंने करी कंप्लेंट की, वो आपने सारे ग्राउंड क्रिएट कर लिए, कोर्ट सेटिस्फाई होता है, क्योंकि आप दे दोगे कि ये फेक केस बनाई थी मेरे पे दबाव डालने के लिए, मुझे तंग करने के लिए, हरास करने के लिए, कोर्ट में आपको सारे प्रूफ लगा दूंगी, मेरी सिस्टर बाहर थी, मैं बाहर था, ये सारे ग्राउंड है, कोर्ट भी उसको क्वैश कर सकती है, वो एफ आई आर को कैंसिल कर सकती है ना जी। ये मैसेज जरूर अपने दोस्तों को भेज देना, ताकि कोई फेक केस, अक्सर आपने मैट्रिमोनियल केसेस में वाइफ अपने पति पे करा देती है फेक केस, तो आपको अपने लीगल अधिकार पता होना चाहिए। अब सुनो जी, एफ आई आर कैसे करानी है, सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत आप जाकर अपना स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करा सकती है ना जी। अगर पुलिस नहीं करती तो आप एसपी साहब के पास जा सकते, आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते, हर स्टेट का पोर्टल है ईएफआईआर, ठीक है ना जी। तो ये सारे आपको कंडीशन होती है, और अगर तब भी ना हो कि पुलिस ने नहीं करी, एसपी साहब ने नहीं करी, तो आप कोर्ट का सारा भी ले सकते। सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत आप कोर्ट में एक पिटीशन डाल सकते हैं, जहां मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करेंगे इन्वेस्टिगेशन का, एफआईआर कराने का, तो जी आपकी वैसे भी एफआईआर हो सकती है। अब इसमें दोनों बता दिया है कि एफआईआर कैंसिल कैसे करें अगर फेक हुई है, और अगर आपकी एफआईआर नहीं हो रही तो कैसे करें, ये दोनों। और तीसरा सुनो जी, किसी ने आपकी फॉल्स एफआईआर करा दी है, तो आप वो कैंसिल कराने के बाद भी उन पे केस डाल सकते हैं, क्योंकि आप हरास हुए। आईपीसी 182 और आईपीसी 211 इंडियन पिनल कोड 182 के तहत, इंडियन पिनल कोड 211 के तहत, ये दोनों सेक्शन है, इसमें जो आपको फॉल्स एफआईआर कराई गई है उसके तहत आप कार्रवाई करा सकते हैं, उस व्यक्ति को जेल हो सकती है इन कारणों से। आप सभी को अपने लीगल अधिकार पता होने चाहिए, किसी भी लीगल सलाह की जरूरत हो, टेंशन नहीं लेनी है, आपका भाई बैठा है, ठीक है ना जी। धन्यवाद, जय श्री राम।